सबसे पहले बाबा इस नए वर्ष की सभी श्रोतागण बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देते हुए बाबा स्वरा स्टूडियो की देख रेख में आप डायरेक्टर अजय भैया एवं गुरुदीन भाई की देख रेख में बाबा आप सबके बीच में एक छोटी सी कहानी माई सरस्वती की पूजा भेज रहा हूँ। आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दास बहुत बड़ा गवैया नहीं है, आप सब श्रोता बंधुओं का चरणों की धूल है। अभी आप हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे प्रिय अनुज भाई रंजीत मास्टर और नाल पर संगत कर रहे हमारे बड़े भाई श्री राम प्रवेश जी और बाएं तरफ हमारे डायरेक्टर साहब माननीय गुरुदीन और दाहिने पर हमारे बड़े भाई बैठे हैं। आप सबके बीच में ये कहानी भेज रहा हूँ। आने वाला मास जो है ये माँ सरस्वती की पूजा अर्चना क्यों होती है और कब होती है, आइए कहानी के माध्यम से कहना। स्वस्ती गणपति पार्वती शिव से सुध बुद्धि विद्या देत है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश सुमिरन करु सतगुरु भगवान का आज सभा में लाज रखो हे सतगुरु अपने दास का। आई छोटी सी भूमिका मास्टर साहब कहना है बाबा माँ सरस्वती सैर है तू निकली कर हंस सवारी जा पहुंची कानन अंदर देखी वहां की शोभायति न्यारी। बाबूजी एक बार की बात है माई सरस्वती मन में विचार किया कि आइए चलते हैं मृत्युलोक में, वहां पर लोग वहां पर बड़ी चर्चा होती है, वहां की हमने बहुत बात सुनी है, तो आइए माई सरस्वती मन में विचार करती है बाबूजी और वहां से ब्रह्मा जी से बहाना बना करके निकल पड़ती है और कहें कि हम घूम के आवत ही तनी आप रहिए घर पे बाबूजी। जैसे ही निकली माई सरस्वती वैसे ही आगे मास्टर साहब कहना का है तर्ज दे बाबूजी। आवे वाला मास फागुन के बाद और यही महीना में माई सरस्वती के घर घर में पूजा भी होती है बाबूजी। कहना है का अरे रंग बरसे बहार रंग बरसे बहार भीग गुजरिया होरी में हो रंग बरसे बहार भीग गुजरिया जो जो रंग बरसे बहार रंग बरसे बहार भीग गुजरिया हो या भीग गुजरिया हो Yeah.
बाबूजी जी ये तो बिरहा के तर्ज रहल बा, लेकिन आइए माई सरस्वती पहुंचत कहा बाटी तुम आप सुने। माई बनवा मझार, माई बनवा मझार उठे लहर हियराने, माई बनवा मझार, माई बनवा मझार उठे लहर हियराने। क्या बात है भैया, मझार माई बनवा मझार उठे लहर हियराने। ए बाबू माई के जब माई मृत्युलोक में पहुंची सरस्वती जी बाबू जी पहुंची, देखते हैं मृत्युलोक में एक सुंदर सा बगीचा, एकदम हरा भरा बगीचा। मास यही फागुन का आने वाला है, बसंत ऋतु आने वाली है बाबूजी, और नई नई पत्तियां निकल रही है, पतझड़ का महीना हो बाबूजी। माई पहुंच जाती है आगे होत का बाम, तो टेरिम कहना का जब माई जंगलवा में पहुंची बाबूजी, तो होत का बाब, अरे कोयलरिया बनी माई सरस्वती, अरे कोयलरिया बनी माई हो, अरे कोयलरिया बनी माई सरस्वती, अरे सोहे बसंत मोहे शीतल मंद बयरिया, हर बयरिया हर बयरिया। कोयलरिया बनी माई सरस्वती, बाबूजी वहां पहुंचती हैं। माई सरस्वती वही हरे भरे बाग को देख करके माई सरस्वती कहे कि मृत्युलोक में अगर हम ऐसे अपने रूप में टहलेंगे तो हमको लोग देखकर हंसेंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी नारी है जो ऐसे रूप में टहल रही। बाबूजी माई सरस्वती कोयलरिया यानी कोयल का रूप बना करके बाबूजी उसी जंगल में, बियाबान नहीं था बाबूजी, हरे भरे जंगल में माई विचरण करने लगी। हरे भरे बगीचे को देख करके मन में विचार किया और कोयला कोयल का रूप बना करके टहलने लगी बाबूजी। चौकड़ कहना है अपने धुन में मगन हो बैठे, पंचम स्वर आम की आए वहां तभी नारद जी, इधर उधर निरख आए वहां तभी नारद जी, पहुंचे कोयल पास विचार, इधर इधर उधर उधर आराब्य में निरखे, अरे इधर उधर आराध में निरखे, पहुंचे कोयल पास विचार, अरे ईश्वर अद्भुत स्वर को सजाए, ईश्वर अद्भुत स्वर के सजाए, पकड़ रखे पिंजरा के मझा, हर माई निकली हर बेटवा भी निकल गए, कहे कि बाबू हम तनिक घूम टहर के आवत है बाबा। एकदम सुंदर सा माहौल देख करके नारद जी भी वही बगिया में उतरे, वही बगिया में नारद बाबा जब उतरे तो कोयल का मीठी आवाज कू कू के आवाज सुन करके एकदम नारद जी मोहित हो गए बाबू।
बाबूजी मोहित हो जाते हैं, कोयल के पास पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, और एक पिंजरा लेकर के कोयल को पकड़ के उसी पिंजरे में बंद कर लेते हैं। बाबा बंद कर लेते हैं। माई सरस्वती पहचान गई कि हमार बचवा हुई, लेकिन हमके याद ना पहचानत हो। ए बाबू तब आगे होत का बा, मास्टर साहब बिरहा में तर्ज बदल गए। आजकल का महीना रहे बाबूजी, जगह जगह पर मेला लगत रहे, मेला लगत रहे तो वही में एक नई नई शादी तय हो रही भैया। वही से बात भकी है, तनी वही मेलवा में आई हा, तनी ढेर दिन हो गए मुलाकात हो जाई। गवना आवे वाला हो लेकिन दुल्हा बेचैन हो कि चले हम जल्दी आज अपने दुल्हिया से वही मेला में मुलाकात करी। बाबूजी कहे मास्टर साहब, अरे बजर पर मेलावा में, अरे बजर पर मेलावा में, अरे सयाना भेटाए हो बजर पर मेलावा में, सयाना भेटाए हो बजर पर मेलावा में, सयाना भेटाए हो बजर पर मेलावा में। बाबूजी यही भाव में नारद बाबा जब पिंजरा में देख कोयलर के बंद कर लिए तो कहा था कि अब तक कुकु करत रहो, अब कहे मुआई मार ले बाड़ू। मुआई मार के बैठी है, तनी हम हो के सुनावे अपन मीठी आवाज, तोहर मीठी आवाज से दीवाना हो करके हम आ जाए और तोहका पकड़ के पिंजरा में रखे। मोर चिरे तनी बोला, जितना मोर चिरई मोर चिरई करे माई सरस्वती कोयलर के रूप में दुबकती जाए। धीरे धीरे चेहरा छुपावे की कोशिश करते, लेकिन कोयले नारद बाबा तो लगा है कि तो चिड़ई बड़ी मीठी बोल बोले। वही बोली में एकदम नारद बाबा दीवाना हो गए। तो बाबूजी, अरे पिंजरावा में चुप काहे, नारद बाबा कहे कि अब का चिड़ई काहे अब चुप बाटू, अरे तेने सुनावा। वही तद में कहना बमा से साहब, अरे पिंजरावा में चुप काहे, अरे चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे। हारे मिसरी से मीठ लगे, हाँ मिसरी से मीठ लगे, मिसरी से मीठ लगे, बोलिया तो हार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे। सोचे सरस्वती फांसी गैली माया जालिया में, सोचे सरस्वती फांसी माया जालिया में, सोचे सरस्वती सोचे सरस्वती फंसे गैली माया जालिया में, सोचे सरस्वती फंसे जालिया में। अरे मिसरी से मीठ लगे, मिसरी से मीठ लगे, बोलिया तोहार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे, चिड़ई हमार हो पिंजरावा में, याय चिड़ई हमार हो पिंजरावा में चुप काहे। ए बाबू माए सरस्वती जब नारद बाबा जितने चुचकारत है दुलारत है उतने वो दुबके जाते हैं। दुबक एकदम मुंह और पूंछा में घुसेर थे और घुसेर के एकदम चेहरा छुपावे कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर साहब देखें बिरहा में तर्ज बदल गए। ताजो है मास्टर साहब, रतिया होला गरमिया ला डोले हो पवाना, रतिया होला पवा
ससुर लदिया मारे ले मेहान हमारे ससुर लदिया जो है मेहान वाला हमारे ससुर लदिया मारे ले मेहान वाला हमारे ससुर लदिया मारे ले मेहान वाला। लेकिन बाबूजी देखे यही भाव में विरहा में गीत का बाबा अखिया माई सरस्वती मारे शर्म के मारे अपन आँखी दोनों मूंद गए और नारद बाबा के से नजर चुरावे के कोशिश करते हैं। कर कैसे आप अखिया खोल ला कोई लरिया काली पखिया हवाली ना हो अखिया खोल ला कोई लरिया काली पखिया हवाली ना अखिया मनवाला जाला जब अपना बेटवा बोले बोलियाना मनवाला जाला अपना बेटा बोले बोलियाना मनवाला जाला अपना बेटवा बोले बोलियाना मनवाला जाला अपना बेटवा बोले बोलियाना। ब्रह्मा के पास लगे नारद ज्ञानी ब्रह्मा के पास लगे नारद ज्ञानी ब्रह्मा के पास गए नारद ज्ञानी ब्रह्मा के पास गए नारद ज्ञानी हो बाबो बतिया हमारी लमाने हो बाबो बतिया हमारी लमाने बाबो बतिया हमारे लमाने काहे कठुआइल बाबोल कारे ना किलो लिहाना काहे कठुआइल बा करे ना किलो लिहाना काहे कठुआइल बाना। बाबूजी इतने में नारद बाबा पिंजरा के लेकर के चल गए अपने बप्पा के पास। नारद बाबा के पास जब पहुंच गए बाबूजी तो कहे के बाबूजी देखा कि इतना सुंदर एक आवाज चिड़िया का हम आज एक पक्षी हम बाबूजी पिंजरा में लेके आए हैं तनी देखा का भैया मास्टर तो देखे कहा थे ब्रह्मा जी से कि बाबू तनी देखा ये चिड़ई कितना सुंदर हो जितने करिया हो वो कई इतने सुंदर आवाज हो भैया रंजीत जितने जकरिया होला ओके कुछ न कुछ बड़ा सुंदर होला। तो कोयल की आवाज बड़ा सुरली होती है बाबूजी जो भी सुनता है कहते कि बहुत प्यारी आवाज है भैया। तो ब्रह्मा जी के पास नारद बाबा जब पहुंचते हैं तो होत काबा नारद बाबा से कहे कि देखा बाबू ये तो कठुआई गेल बा एकदम बोलते डोलत ना हो। नारद बाबा के बात सुन करके ब्रह्मा जी मन में विचार करते कैसे अब ओके बखान करते हुए कैसे कैसे हो आला में कोकिला के गुनावा निहार नारद ज्ञानी बाबू अपने मतारिया के
समझ कोई लरिया बाबू नारद से ब्रह्मा का है बेटा मोर नाता अपनी माह तारिया के जान कोई लरिया बाबू हाँ मास महिला शुक्ल पंचमी नारद बाबा बैठाई के पूजन हवन ब्रह्मा जी कहे कि बेटा देखो ये तुहार माई है आगे होत का बा मास महिला शुक्ल पंचमी सुजान बैठे पूजन माता के सरस्वती के होला हे पूजे नारद बाबा पूजे सागरो माघ महीना में शुक्ल पक्ष में माई सरस्वती की पूजा बाबूजी घर घर में पढ़वैया गवैया और जो भी विद्वान लोग हैं माई सरस्वती की पूजा करते हैं माघ महीना में बाबूजी इसी नारद बाबा की गलती को ब्रह्मा जी ने माँ से माफ करवाया और कहा कि नारद ब्रह्मा जी अपने शक्ति से तेज से बाबूजी ध्यान लगाकर देखते हैं कि हो ये तो सरस्वती जी हैं कि बेटवा हमारा नादान हो और अपने मातारी के समझ ना पाया तो बाबूजी माई के पूजा अर्चना करके नारद बाबा को क्षमा दान माता ने दिया और तो आगे कहना कामर साहब बाबूजी माई के ममता बड़ी दया माँ ऐसा शब्द है बाबूजी जो कभी किसी भी शब्द से कटता नहीं है माँ नाम ही अमर होता है माँ के अंदर दया भाव और सील सब होती है ऐसे ही माई सरस्वती नारद बाबा को क्षमा कर देती हैं और उसी दिन से बाबूजी माई सरस्वती की पूजा होती है माघ महीना शुक्ल पक्ष में बाबूजी तो आइए खड़े में कहना मास्टर साहब अरे माई के ममता में अरे नाही कवनो कमी माई के ममता में नाही कवनो कमी होला माई के पूजनवा बसंत पंचमी रहे अरे दीनवा अतीत हो अरे नीक लागे सबके कोई लरिया के गीत हो नीक लागे सबके कोई लरिया के अरे दे दबा गवाही आज गगन और जमी तो होला माई के पूजनवा बसंत पंचमी स्वर की देवी अरे माता निराले अले के अरमान द्वार अले के अरमान द्वार आते हैं सवाले अले के अरमान द्वार अले के अरमान द्वार आते हैं सवाले
पूजा के, माई सरस्वती के पूजा कभी भी बंद नहीं होगी बाबूजी। हर गीतकार संगीतकार जो भी होता है माई सरस्वती की पूजा करता है, और इसी बसंत पंचमी को आने वाला समय है, इसी महीने में हो सकता है नहीं तो अगले महीने में भी हो सकता है, माई की पूजा बाबूजी सब विद्वान लोग करते हैं। तो सिलसिला दुनिया में पूजा के, अरे कब होला टली तो होला माई के पूजन वहां बसंत पंचमी। माई सरस्वती ने माफ कर दिया सजा और बेटा को, और उसी दिन से माई सरस्वती की पूजा घर घर में गांव गांव में होती है, बसंतोत्सव मनाया जाते बड़े धूमधाम से बाबूजी। विद्यालय हो या गवैया बजवैया सब माई की पूजा करते हैं। आखिरी भाव कहने मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारे, स्वर्ग बसे गुरु चंद का जी, हरे बेचन जी बने पुजारी। अरे कोयलरिया बनी माई सरस्वती, अरे कोयलरिया बनी माई सरस्वती, रामा शिव मूरत कै नहीं नहीं ले दरिया, कोयलरिया बनी माई सरस्वती। सरस्वती मैया की जय।